नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप देख रहे हैं नैतिक टीवी को। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे बहुजन समाज पर आए दिन अन्याय अत्याचार होता रहता है। हम आपको बता दें कि इस समय एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ग्राम गधाई से, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक दलित व्यक्ति की जमीन पर सरकारी रोड डाला जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि दलित व्यक्ति ने रोड डालने से मना किया। इसको लेकर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और दलित समाज के लोगों में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपको बता दें कि पुलिस द्वारा दलित महिला, बच्चों एवं व्यक्तियों पर खूब जोर से आपको बता दें कि लाठी चार्ज की गई। लाठी चार्ज में आपको बता दें कि दर्दनाक घटना यह हुई कि 7 से 8 महीने के बच्चे की जान चले गई। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का यह इतना निंदनीय कृत्य था कि आपको बता दें कि उन्होंने इतने जोर से लाठी चार्ज की। पहली बात तो यह है कि लाठी आपको बता दें कि महिलाओं के ऊपर चलाने का पुलिस को अधिकार नहीं है। और आपको बता दें कि दूसरी बात यह है कि उन्होंने इतनी तेज लाठी चलाई कि जिसमें 7 से 8 महीने के बच्चे की, मासूम बच्चे की जान चली गई, जो कि आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का बहुत ही निंदनीय काम यह है। आपको बता दें कि जैसे इस घटना का पता भीम आर्मी की टीम को चला, मौके पर भीम आर्मी की टीम घटना स्थल पर पहुंची और आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही इस मामले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए जो आरोपी पुलिस है उन्हें बर्खास्त करने और जेल भेजने की मांग की है। साथ ही जो सुनील अस्ते जी हैं उन्होंने भी इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक पुलिस प्रशासन एवं सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं होगा। लेकिन तमाम बहुजन समाज के लोग धरने पर बैठ चुके हैं और आपको बता दें कि उनका कहना है, भीम आर्मी का कहना है कि वो न्याय लेकर रहेंगे। तो इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।